एक था फोड़ी। जी हाँ, मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फोड़ी। जी नाज़रीन, चीखते फोड़ी में खुश आमदीद आपका। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। तो जनाब, आज हम स्पेशल नाश्ता करना है उस्मानिया पे। उस्मानिया का एक बहुत मशहूर अंडा घोटाला मिलता है। उसके अलावा इनके पास लच्छे वाला पराठा है, तंदूरी पराठा है, उसके अलावा आमलेट, चना, मलाई, पूरा पैकेज है इनके पास। तो हम लोग निकले हैं कराची से बाहर और हम आपको लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह लाड़काना। लाड़काना की एक बहुत शानदार सी सब्जी है, वो आपको ट्राई करवाने वाले हैं। मीरपुर खास जा रहे हैं हम, वहाँ पे आपको कराएंगे मज़ार की बिरयानी, वो ट्राई करवाने वाले। और इसके अलावा हम जाएंगे गंबट, वहाँ पे बे की सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त मिलती है, तो वो आपको हम ट्राई कराने वाले हैं। अभी हम आपको रिव्यू देने वाले हैं एक शानदार से नाश्ते का, तो आप हमारे साथ बने रहें और हम चलते हैं अभी जहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है। तो जनाब, ये नाश्ता आ चुका है, हमारे दोस्त अहबाब सारे यहाँ बैठे हुए। ये चीखता हुआ आमलेट, चिल्लाता हुआ हाफ फ्राई, ठीक है, और ये आ गए चने, और उसके साथ साथ मलाई आ गई है भाई, इसको मौत देनी है हमने। और ये छापड़ी के अंदर से निकलने वाला है चीखता हुआ पराठा, और कह रहा जी मौत का सामान। यार ये लच्छे वाला तो नहीं लग रहा। बहरहाल हम इसको ट्राई करते हैं और आपको एक चीखता चिल्लाता हुआ रिव्यू देते हैं। हम शुरू करने वाले हैं, लेते हैं अल्लाह का बाबर का और बिस्मिल्लाह। जनाब, जिसे आप देख रहे हैं कि हमने नाश्ते को दे दिए मौत, और नाश्ता बहुत ही कुछ शानदार था, और हम चुस्कियाँ ले रहे हैं चाय की, तो नाश्ता तो बहुत आला था। अब आप हमारे साथ बने रहें, आपसे एक नया जायका, एक नए टेस्ट के साथ फिर मुलाकात होती है मीरपुर खास में। तब तक के लिए आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीखते फूडी में खुश आमदीद आपका। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। जी जनाब, हम घूमते फिरते आ चुके हैं लाड़काना। भाई एक ही दाल होती है हमारे पास, वो मूंग की फ्राई। टाइम सुबह को तकरीबन 6:30 बजे काम चालू हो जाता है, रात में पूरी रात 2:30 तक। चीखता फूडी। जी हाँ, मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद है हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फूडी। स्टेशन रोड या कायदे आवाम रोड अपोजिट में सामने सिटी बेकरी है, नादर होटल पुराना। लाड़काना में आप अगर आए हैं और आपने अगर नादर की दाल नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। तो हम चलते पहले काउंटर पे, उनसे पूछते हैं इसको कितना असर दराज हो गया है इस रेस्टोरेंट को, और फिर हम मंगाते हैं शानदार सी तड़के वाली दाल और उसको देते हैं मौत। तकरीबन 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए। अच्छा जा रही, हम तो आए कराची से। अच्छा, जो अगर कोई कराची से आए तो लाड़काना शहर में किस जगह है, कौन सा चाय चाय के वहाँ रोड है, स्टेशन रोड इसको भी कहते हैं। अच्छा, सिटी बेकरी के अपोजिट में सिटी बेकरी इनादर होता है। अच्छा, आपके पास खाने में क्या क्या चीजें होती है? हमारे पास मुर्गी होती है, दाल फ्राई होती है, सब्जी अंडा कुटाला, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन टिक्के। सब्जी भी होती है? सब्जी मुर्गी में होती है, सब्जी तो चिकन टिक्के कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हम तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक दाल तो आई नहीं है। पर हम आपको बता दें, लाड़काना में बहुत मजे की चीजें मिलती है। ये इंडियन झंडू बाम है, बहुत शानदार सा है, और ये है टाइगर बाम। तो ये आपको हर जगह नहीं मिलती। लाड़काना में एक चौक है, रॉयल चौक, वहाँ पे है सिंधी की दुकान, वहाँ पे बेहतरीन सी ये चीज़ें आपको मिल जाती है, जेन्युइन चीज़ होती है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया दाल का, जैसी दाल आती है तो आपको हम देते हैं एक चीखता हुआ रिव्यू। जी जनाब, हम इनके किचन में पहुँच चुके हैं, साफ सुथरा किचन है, और दाल तो मैं आपको बताना भूल गया, इनकी जो दाल होती है वो मूंग की दाल होती है, तो शानदार सी दाल फ्राई है। बस ये अभी तैयार कर रहे हो।
ओहो भाई ये आ गई है मूंग की दाल फ्राई। अरे जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू। और इस दाल के साथ आपको मिलेगी चपाती, वो भी घर वाली चपाती होती है ना, घर वाली चपाती की बात ही कुछ और है। तो हम शुरू करते अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई औसम, भाई बहुत आला दाल है भाई, वाह यार ये चपाती मेरे को यहाँ पे ना राटा ने और कहीं नहीं मिले। चपाती भी बहुत शानदार है और दाल की क्या बात है यार। आप लाकाना है और आपने अगर दाल नहीं खाई नादेल के दाल तो आपने कुछ नहीं खाया। जी जनाब, मेरा तो हाथ नहीं रुका, पहले तो मैंने रोटी से इसको मौत दी है और इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ अब ऐसे चम्मच से। यार आप ये दाल खाएंगे आप कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सब भूल जाएंगे, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात है मसालों का बैलेंस बहुत अच्छा है, हरा मसाला इन्होंने क्वांटिटी में डाला है। और मैं तो कहता हूँ भाई दाल बहुत शानदार है, चीख रही है कि मुझे खा लो और मेरा हाथ तो नहीं रुक रहा। बहुत शानदार दाल है, पेट भर गया पर नियत नहीं भरी। आज हम मिस कर रहे हैं अब्दुल्ला दीवानी को, अब्दुल्ला दीवानी हमारे साथ नहीं आ सके। बहरहाल अब आज रात हमारा ये लाड़काना में आखिरी व्लॉग था और हम सुबह जा रहे हैं कराची और इंशाल्लाह कराची पहुंच के एक नया जायका, एक नया टेस्ट और एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो नाज़रीन, चीखते फूडी में खुश आमदीद आपका, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। हम पहुँच चुके हैं जी दुआ रेस्टोरेंट, ये लोकेशन बनती है महड़ महड़ सिटी में और इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छी। चीखता फूडी, जी हाँ मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना, चीखता फूडी और इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, ए सी ऑन भी है और इन्होंने हमें बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट किया। इन्होंने अपने रूम का चिल्ड ए सी लगवाया और हमें अंदर दिखाया। तो हम यहाँ पे आए हैं नाश्ते के लिए और नाश्ते के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मिलती एक शानदार सी बाबा खारी, छोटी और बड़ी दोनों मिलती है, उसको भी हम ट्राई करने वाले। और इनके नाश्ते में चना पराठा आमलेट अंडा घोटाला सब मिलता है, तो आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको ट्राई करवाते हैं नाश्ता। है जी दुआ रेस्टोरेंट का रिसेप्शन, बहुत शानदार सा रिसेप्शन है और हम इधर ज़रा मालूमात करने आए कि अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? आसिफ अली। आसिफ साहब, आसिफ साहब मुझे ये बताएंगे इसकी लोकेशन क्या है दुआ रेस्टोरेंट की? जी दुआ के रोड पे। अच्छा मुझे ये बताएंगे कितने अरसे दराज से है ये? ये मैक्सिमम 8 साल हो गए। बताएंगे यहाँ की मशहूर चीज़ों में क्या क्या चीज़ें मशहूर है आपके रेस्टोरेंट की? मेड़ की, बावा है, मेहंदी है। अच्छा और आपके रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशल डिश क्या है? मटन कढ़ाई है, उसके लिए दुआ स्पेशल है, 4-5 आइटम स्पेशल। नाश्ता आ गया, आप चेक करें नाश्ते के साथ साथ सफाई का निज़ाम देखें, साफ़ सुथरी प्लेटें बड़ा तरीके से डिसिप्लिन से हर चीज़ रखी हुई, बहुत शानदार। तो अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं और इसको देने वाले हैं हम मौत। वाओ गाइस वाओ, आउट वी गो एंड सॉन्ग बाय हम पहले सब में लगे तो उसके बोल बैठा बताओ क्या सही है सुनो लोग ये जा हम लोग सही है। तो हमने चाय का ऑर्डर कर दिया चीनी रोग के पति दोस्त चौथे गेयर में, तो चाय आने वाली और ये हम देने वाले हैं। चने और पराठों की बहुत अच्छी ट्राई करने वाले हैं, चना वो हमारी शालदार से चना है, तंदूरी पराठे फुल चीखते हुए पराठे चिलदा रहे क्या और अल्लाह के बाबर तक न्याय से शुरू करते हैं। आनंद बहुत ज़्यादा चने तो चीख रहे हैं मुझे खा लो और अब हम ट्राई कर लेते हैं वहाँ
का शानदार सा आमलेट, आमलेट की कंडीशन देखा बिल्कुल तरीके से सिका हुआ है, बहुत आला, वरना अक्सर जो है ना जगहों पे जाते तो वो कच्चा खा के जिसको भी ट्राई करते भी आपके दरबार में बैठाया भाई, बहुत आला चलो इस तरह से भाई बहुत आई। ये देख रहे मेरे मुंह किस नाइस से बड़ी बात कर रही है और चीख नहीं कि मुझे खाते और हम इसको ट्राई करने वाले बात भाई बहुत आया फुल सिटी से और चीख रही है कि मुझे खा ले, तो अब इसको हम मौत देते हैं फिर आपको शानदार सा रिव्यू देते हैं। चाय आ चुकी है जनाब, तो बाखाते पता है देख यार है तो उसको किडनैप करके ले आया यहाँ पे भंडार सी चाय के चुस्कियाँ ले ले के बिरा ये लड़का, और माशाल्लाह हमारी टीम ने नाश्ता बड़ा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और वो तो दुआ मांग मांग के पी रहा है, दुआ होटल आया ना इसलिए। जनाब नाश्ता बहुत टाइट था, बहुत शानदार, देखिए चना पराठा आमलेट अपनी जगह, यहाँ की जो सबसे मजे की सौगात थी वो थी बाकर खानी, हमारे मुँह से बड़े साइज की बाकर खानी थी पर भाई बहुत शानदार उसको हमने मौत दी। जब भी आप मैड आए तो आप बाकर खानी और चाय ऑर्डर ज़बरदस्त लिखिए फ्राई करें, उसके साथ साथ यहाँ आप आए तो मेहंदी ज़रूर लिख लें, यहाँ की मेहंदी बहुत मशहूर है मैड, तो आपसे मुलाकात होती है एक नया जायका एक नया टेस्ट और एक नई क्रिएशन है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह। चीखता फूडी, जी हाँ मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फूडी, फूडी में खुशामदीद आपका, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। तो जनाब हम घूमते फिरते आ गए हैं सेवन शरीफ, सेवन शरीफ हम आते हैं तो अक्सर लोग जो है ना हमें रेकमेंड करते हैं कि आप शुक्रवार मदीना होटल जाए, तो सुपर मदीना होटल तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, वहाँ टेस्ट करते रहते हैं, हमने सोचा आज क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, तो नया ट्राई करने के लिए हम आए हैं सुपर मक्का होटल। सुना है इनकी बेहतरीन सी शानदार सी चिकन कढ़ाई है, तो हम करने वाले हैं चिकन कढ़ाई ट्राई और उसकी निकालने वाले बहुत ज़बरदस्ती चीज है, तो आपको हम देते थोड़ी देर में रिव्यू। ओहो भाई आ गई है फिर चीख की कढ़ाई, कुछ लिंबाती हुई रोटी है और इसको हम देने वाले हैं बहुत, फुल स्पाइसी कढ़ाई, ओहो चीखती हुई कढ़ाई, देखो हम सिल्लाती हुई रोटियां और इसको हम देने वाले हैं बहुत, और आपको देने वाले एक शानदार सा उपयोग और शुरू करते हैं। अब ये एक बार कढ़ाई कढ़ाई में कढ़ाई तो फुल चीख रही है भाई, खा लो मुझे, और हम शुरू करने वाले हैं, ये आ गई हमारी कढ़ाई और शुरू करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई बहुत आला, फुल चीजती चिल्लाती हुई कढ़ाई है, रस्मात हो रही है और हम दे चुके हैं कढ़ाई को फुल टाइम मौत, बहुत शानदार कढ़ाई थी। आप सुपर मदीना आते हैं, आप आए अब सुपर मक्का ऑर्डर जो पड़ेगा आपको सेवन में, और कढ़ाई को मौत दे चुके हैं, आपसे मुलाकात होती है। ओ भाई वो रुक जाए ये आ गया जी, अब चीख था एक को हम देने वाले हैं मौत, ये दिखाई थी, वाह 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 सुभान अल्लाह। तो आप हमारे साथ बने रहे, आपसे मुलाकात होती है एक नए टेस्ट एक नए जायके के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चीखते फूडी में खुशामदीद आपका, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। चीखता फूडी, जी हाँ मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फूडी, आज
लाड़काना, और लाड़काना में अगर आप आए और आपने चार कोल का जो है ना कढ़ाई, मटन कढ़ाई बहुत शानदार सी ट्राई करवाने वाले हैं, और आपको एक देने वाले हैं चीकता का रिव्यू। आइए अंदर। कढ़ाइयाँ आ चुकी हैं, बिरयानी आ चुकी है, मटन कढ़ाई आ चुकी है, चिकन वाइट कढ़ाई आ चुकी है, बिरयानी आ चुकी है, नान आ चुके हैं, और अभी थोड़ी देर में हम देने वाले हैं इन सबको। और तो जनाब हम ट्राई करने वाले हैं इनकी मटन कढ़ाई, ये ब्राउन कढ़ाई भी है और वाइट कढ़ाई भी है, और शानदार से नान गर्मा गर्म भाई ने यहाँ भेजे। उसके अलावा इनके ये देखिए ये स्पेशल नान है, इनके हमारे हैं बहुत कड़क, तो हम ट्राई करते हैं अपने कराची वाले नाम से, वो शुरू कर दें अल्लाह के बार बार नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह वाह बहुत आला भाई, कढ़ाई चीज रही है कि मुझे खा लो, तो हम इसको चौथे गेयर में लपेटते हैं। तो जी जनाब, तो हम दे चुके हैं खाने को फुल टाइम मौत, कढ़ाइयाँ बिल्कुल सफ़ा हो गई हैं, जैसे सफाई हस्ती से मिटी जाती है इस तरह कर दी हमने, और बहुत आला टेस्ट था। हमें फ्लेवर मिले मटन के अंदर दो और एक चिकन के अंदर, तो चिकन की बड़ी स्पाइसी कढ़ाई थी, मटन में वाइट कढ़ाई थी और ब्राउन कढ़ाई थी, बहुत आला टेस्ट था, बहुत मज़े के नान थे इनके। तो आपसे मुलाकात होगी, आप हमारे साथ बने रहें एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी जनाब, हम आपको बताएं कि बहुत आला टेस्ट था, और हमारे साथ बड़ा कॉपरेट किया ये शानी है और ये मुनीर है, तो इन लोगों का बड़ा कॉपरेट था हमारे साथ, और ये हमारे आज से वो नहीं होता तो पक्के वाले दोस्त वो बन गए। तो जब भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह इनसे ज़रूर मिलूँगा लाड़काना में, और मैं इनको यही बोलूँगा कि इसी तरह का मज़े का खाना खिलाते रहें लोगों को और प्यार बांटते रहें। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए, अल्लाह हाफिज़। देखते रहें चीखता फूडी, चीखता फूडी। जी हाँ, मैं मोहम्मद आरिफ, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना, चीखता फूडी। अस्सलाम वालेकुम, चीखते फूडी में खुश आमदीद आपका, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं सुपर हाईवे, और हमारे सामने है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन के सामने आपको मिलेगा मदीना होटल, जहां हम ट्राई करने वाले हैं बलोची टिक्का। अच्छा, बलोची टिक्का अक्सर लोगों ने दिखाया है वीलॉग के अंदर चिकन का, हम आपको दिखाने वाले हैं मटन का, और एक अलग जायका, एक अलग टेस्ट। तो फिर अभी ट्राई करते हैं थोड़ी देर के अंदर। ये चेक कर लें, सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है, हरी मिर्चें डल चुकी हैं, फुल कढ़ाइयाँ ना चीख रही हैं, बलोची टिक्का भी चीख रहा है बहुत ज़्यादा है जनाब। तो ये मसाले जार देख लें आप, ये हरी मिर्चें, ये धनिया, ये कटी हुई हरी मिर्च, ये है स्पेशल इनका खास सीक्रेट बलोची टिक्के का मसाला, बहुत शानदार। क्या ट्राई करने वाले हैं? तो आज हम आए हुए मदीना होटल हाईवे पे, और अभी हम ट्राई करेंगे इनका जो है वो
फेमस जो है वो रोटी टिक्का और मटन टिक्का, इसके अलावा हम मटन कढ़ाई पे हैं आज। चिकन कढ़ाई है हमारे पास और उनकी स्पेशल नान है वो है रायता, इनका कचूमर रायता जो सलाद रायता है इनका बहुत फेमस है यहाँ का। और बस अब देखें बनने वाला है, जैसी रेडी होता है आपको बनाना। एक उधर रख लो एक इधर रख लो, दो रायते आ गए भाई चीखते हुए कचूमर वाले। जी जनाब, तो हम ट्राई करने वाले हैं मटन बलोची टिक्का, तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनका एक स्पेशल रायता है कचूमर सलाद के साथ। भाई बहुत आला, मजा आ गया, टिक्का चीख रहा है कि मुझे खा लो भाई, बहुत आला। जी जनाब, हमारे सारे कारकुन सारी चीज़ों को मौत दे चुके। मैं आपको बताने वाला हूँ, जब मटन टिक्का आया ना, तो जैसे शादी ब्याह में नहीं होता कि यार टिक्के को मौत देनी है, सब ने ऐसी मौत दी कि हमारे हाथ में भी बिल्कुल हड्डियाँ ही आई हैं। ये चेक कर लें आप, ठीक है, और आखिरी हड्डी को मौत देने वाले। जी जनाब, पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। भाई बहुत आला, चिकन तो आप हर जगह खा लेते हैं पर मटन टिक्का, वो भी बलूची टिक्का, बहुत शानदार। स्पाइसी था, कानों से धुएं निकल आई और आंखों से आंसू निकल आए। तो मैं आपको यही बोलूँगा, कराची में आप हर चीज़ खाते पर थोड़ा सा कराची से हटके आप बाहर आएंगे हाईवे पे, तो आपको मिलेगा शानदार सा बलूची टिक्का। तो आपसे मुलाकात होती है एक नई टेस्ट एक नए जायके के साथ, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है जिसका कमेंट सबसे मजे का होगा उसको हम देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और खाने को मौत यूं ही देते रहें।